हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के लीडर की। इनका नाम है काजी हिंडुप डोरजी खंगसरबा। एंड अपोलॉजीज अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, बट ये मेरे को प्रोनाउंसिएशन लग रही है। एंड 1904 में इनकी जन्म हुआ था। एंड ये कौन थे देखते हैं। ही वॉज द लीडर ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इन सिक्किम। तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आए तो। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजामंडल। राइट, प्रजामंडल करके पूरे भारत में अलग अलग जगह पे आजादी के टाइम पे क्रिएट हुई थी, स्मॉल स्मॉल बॉडीज हमने देखा था, सब फ्रीडम चाहती थी। ऐसे ही आपने देखा होगा, ऐसे ही आप देखेंगे कि सिक्किम प्रजामंडल बनी। एंड लेटर ही बिकेम लीडर ऑफ सिक्किम स्टेट कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, 1962 में इन्होंने सिक्किम नेशनल कांग्रेस फाउंड करी। एंड उसके बाद आफ्टर एन इलेक्टोरल विक्ट्री ही लेड द मूवमेंट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम विद इंडिया। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कि उन्होंने सिक्किम को इंडिया से मर्ज करा। बहुत बड़ा रोल है इनका, अदरवाइज शायद सिक्किम इंडिया से मर्ज नहीं हो पाता। आफ्टर द इंटीग्रेशन सिक्किम कांग्रेस मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर बन गए। तो ये डोरजी खांगसरबा साहब की स्टोरी एंड काफी इंपॉर्टेंट लीडर है। आई होप आपको एक नॉर्थ ईस्ट के ऑल लीडर के बारे में पता चला। एंड नाम आप याद रखने की ट्राई करना। थैंक यू एंड टेक केयर।